अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशाज केक डिलाइट। आज हम बनाएंगे फाउंटन से स्टेथोस्कोप। फाउंटन शुगर पेस्ट को कहा जाता है। ये हमें फ्रिज में स्टोर नहीं करना होता है। मैंने यहाँ पर रेडीमेड फाउंटन का यूज़ किया है। फाउंटन को इस्तेमाल करने से पहले हमें इस तरह से उसे नीट करना पड़ता है। फाउंडन को नीट करके उसमें स्ट्रेचेबिलिटी लानी पड़ती है। उसके बाद हम उससे इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। फाउंडन में जेल कलर का ही यूज़ होता है, वाटर बेस कलर यूज़ नहीं कर सकते। मुझे ग्रे कलर का फाउंडन तैयार करना था तो मैंने ब्लैक जेल कलर के दो ड्रॉप्स मिलाए हैं। मुझे कस्टमर ने पिक भेजा था, उस तरह से मुझे उन्हें बनाकर देना। आप यहाँ वीडियो में मोबाइल पर उस केक का फ़ोटो देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रे कलर के सेम दो पीस कर लिए हैं और मैं उन्हें अरेंज कर रही हूँ। फिर मुझे लगा कि वो और थोड़े पतले होने चाहिए, इसलिए मैंने उसे फिर से रोल किया और फिर उसे कट कर लिया। इस वीडियो में मैंने इंग्रेडिएंट्स पार्ट नहीं दिया है। मैंने यहाँ पर रेड कलर का, वाइट और ब्लैक कलर का ही फाउंडेंट यूज़ किया है और इसमें एक ही बार मैंने वाइट फाउंडन में ब्लैक जेल कलर को यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर के फाउंडन को इस तरह कट करके टूथपिक की मदद से उन दो सेम कटिंग्स में ऐड किया है, जो पार्ट डॉक्टर्स के कान में लग जाता है। यहाँ पर मैंने दोनों को सेट कर लिया है। मैंने यहाँ पर एक ग्रे कलर का बॉल बनाया है और उसमें इसको इंसर्ट टूथपिक की मदद से इंसर्ट किया है। एक्स्ट्रा का पार्ट कट कर दिया है। आपके पास अगर फाउंटन टूल ना हो तो आप नाइफ़ की मदद से इस तरह से मार्क कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा उसे चपटा कर दिया है। अब इस पर रखने के का पार्ट बनाने के लिए मैं फाउंडन को बेल रही हूँ। इस तरह से फाउंडन को बेलने के बाद मैंने उसे कटर से कट कर लिया है। अगर आपके पास इस तरह का कटर नहीं है तो आप इसे किसी छोटे से ग्लास या बाउल से भी कट कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर बड़े वाले नोज़ल से मार्क करके टूथपिक से उस पर एक डॉट बनाया है और मैंने उसे यहाँ पर पानी की मदद से स्टिक कर लिया है। फाउंडन पानी की मदद से स्टिक होता है। अब यहाँ पर रेड कलर के फाउंडन को मैं रोल करके इस तरह से बना रही हूँ। अब मैं इस रेड कलर के पार्ट को ग्रे कलर के पार्ट से जॉइंट करूँगी टूथपिक की मदद से। इस केक को बनाते वक्त मेरे अंदर भी एक नर्वसनेस थी, क्योंकि मैं भी इसे फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी। मैं इसे बना पाऊँगी या नहीं, पर कॉन्फिडेंस से कोई भी काम करने की ठानों तो वो हो ही जाता है। जब मैंने इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया तो मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं सेम पीस बना के मैं कस्टमर को दे सकती हूँ। मैंने इस वीडियो को इसलिए सेपरेटली बनाया है कि अगर मैं केक के साथ आपको बताती तो इतना डिटेल में बताना मुझे पॉसिबल नहीं था। आपको जब भी कोई इस तरह की ऑर्डर्स आए तो आप
कॉन्फिडेंटली कहो कि हम बना सकते हैं, पर उसके लिए प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी होता है। इस तरह फाउंटेन के टूल्स बनाकर आप एयर टाइट और ठंडी जगह पर रखें। प्री बुक ऑर्डर हो तो आप एक दिन पहले भी इनको बनाकर रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर रेड कलर के फाउंटेन को रोल करके हार्ट शेप दूंगी और सभी पार्ट्स को जॉइंट कर लूंगी। इसको मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। इससे बनाए हुए केक की वीडियो को मैं कल अपलोड करूंगी इंशाल्लाह। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक आपने अगर मेरी वीडियो को देखा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आपकी एक लाइक भी हमें मोटिवेट करती है एक नया वीडियो बनाने के लिए। आप अगर मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हम मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। इस तरह से मैंने स्टेथोस्कोप को बना लिया है। मैंने भी इसे फर्स्ट टाइम ही बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।